कि आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देखा? कुछ भी कहिए साहब, आप मानो ना मानो, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये भाव का विषय है, ये भक्ति का विषय है, ये आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है। एक देश का राजा अपने जन्मदिन पर जब माता से मिले तो माता के चरण स्पर्श करता है, आशीर्वाद लेता है। चादर और फादर का समय चला गया साहब, क्षमा करिएगा। और अपनी संस्कृति को यदि बचाना है तो चादर और फादर से बचकर के ही रहना होगा, तभी यह संस्कृति बच सकती है। वो समय चला गया जब कहीं जाकर के चादर चढ़ाई जाती थी, कहीं जाकर के फादरों से मिला जाता था। अब समय वह आया कि जब अन्य किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री उसे ले जाकर के गंगा जी की आरती कराता है। महाराज, ये दृश्य मंदिर देवालय में ले जाकर के बड़े बड़े राष्ट्रपति को बिठा देता है, मंदिर दिखाता है, ये देखो हमारा ये मंदिर, ताजमहल दिखाने वाला समय चला गया साहब। इस देश की संस्कृति को मजबूत किया जा रहा है और फिर भी हिंदू ना समझे तो फिर समझ नहीं सकता। वो संवैधानिक दायरे में है, वह आपको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, वह आपको झलकियां दिखाता है। जब वह पशुपतिनाथ में जाकर के 8-8, 10-10 घंटे बैठ करके ध्यान लगाए और जब बाहर निकले मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्षों की माला पड़ी हो, तो वह संकेत देता है, देखो मैं राजा बन गया हूं लेकिन अपने सनातन धर्म को मैं भूला नहीं। जिस प्रकार मुझे प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हिंदू होने पर गर्व है, उसी प्रकार प्रत्येक हिंदू को अपने हिंदू होने पर गर्व करना चाहिए। जब केदारनाथ में हमारे देश का राजा जाए और वहां ध्यान मुद्रा में बैठे और जब वहां से निकले भगवा वस्त्रों में, मस्तक पर विद्यमान त्रिपुंड, गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की मालाएं, वो चाल, वो शान, वो आंखों में तेज, अगर इस तेज को देख करके भी हिंदू ना समझे तो मैं समझता हूं कि फिर हिंदू समझ भी नहीं सकता है। अपने पतन का कारण आप और हम खुद हैं। हमने मस्तक पर चंदन छोड़ दिया, हमने चोटी रखानी छोड़ दी, हमने गले कांधे पर जनेऊ धारण करना छोड़ दिया, जिभ्या से हमारे मंत्र गायब हो गए। अपने पतन का मुख्य कारण तो हिंदू है। कितने आताताई हुए महाराज, बड़े बड़े राक्षस इस पृथ्वी पर जन्मे, वह सत्य सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर सके। ये तो किस खेत की मूली है महाराज, मूली तो बहुत बड़ी होती है, ये तो हमारे लिए मामूली है। बसरत यह है कि हिंदू को एक होना चाहिए, एक होना आना चाहिए।